हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने वार्ड क्रमांक 64 के भाजपा प्रत्याशी मनीष शर्मा मामा के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों की उपस्थिति को देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये रोड शो नहीं बल्कि मनीष मामा का विजय जुलूस दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव लाखों मतों से चुनाव जीतेंगे, जबकि मनीष मामा भी वार्ड 64 से हजारों मतों से चुनाव जीतेंगे। इस दौरान जीप पर सवार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय एवं वार्ड 64 के भाजपा प्रत्याशी मनीष शर्मा मामा का विभिन्न मंचों से भव्य स्वागत किया गया। अनेक स्थानों पर पुष्प माला पहनाकर भाजपा प्रत्याशी को विजयश्री का तिलक लगाया गया। संपर्क में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? मनीष मामा आपके कट्टर समर्थक है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो, और जिस तरीके का जनसंपर्क हो रहा है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विजय जुलूस निकल रहा है। इतना जबरदस्त समर्थन है, लोग उनको बहुत प्यार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को विश्वास है कि इंदौर में विकास किया है। यही सड़क जहाँ पर हम खड़े हैं, ये 10-12 फीट चौड़ी सड़क थी, आज 115 फीट चौड़ी सड़क हो गई। बीच में डिवाइडर लग गए, विधायक जी ने बढ़िया 1.25 करोड़ में लाइट लगवा दी। ये रोड कितनी सुंदर हो गई, तो इधर आने में डर लगता था। कुल मिलाकर विजिबल डेवलपमेंट है और लोग भाजपा को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या लगता है कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पार्षद के चुनाव जीतेगी? अधिकांश सीटों पर हम जीतने वाले हैं और लाखों वोटों से मेयर जीतने वाले हैं।